नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जो अपने बाप का न हुआ वह बुआ का क्या होगा। अखिलेश, लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा। हर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव जनसभा, रैलियां और रोड शो कर रही है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने उनके संसदीय क्षेत्र बनारस पहुँचे। सुबह के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सोमवार की शाम दक्षिण विधानसभा के ढेलवरिया क्षेत्र में डिप्टी सीएम ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने जहां सरकार के 5 साल के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्षी पर भी जमकर प्रहार किया। कहा कि इस बार भी भाजपा पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी और कहा कि 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, 2019 लोकसभा चुनाव में सुनामी है, इसी सुनामी में विपक्ष बह जाएंगे, 400 से अधिक सीट जीतकर बीजेपी अकेले बहुमत की सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर अवादीय गठबंधन बिखर जाएगा, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो बुआ का क्या होगा। गठबंधन की दोनों ही पार्टियां आज तक धर्म व जाति के ऊपर नहीं उठ पाए, ये सरकार क्या चलाएंगे। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दे दिया है। देश की जनता का एक एक वोट आतंक के खिलाफ चोट का काम करेगी। विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में मोदी जी को दोबारा चुनने का अवसर मिला है। वाराणसी के सांसद की दहाड़ पूरे विश्व में सुनाई पड़ती है। अब दुनिया भर में काशी की चर्चा होती है। उप मुख्यमंत्री के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस बार वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। अमेठी से उनका हारना तय है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव भी हार रहे हैं। निरहुआ चुनाव जीत रहा है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।